आईटीआई सिद्धेश्वर नगर स्थित श्री हरिराम वाटिका में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत छठे दिन की कथा में वृंदावन से पधारे पंडित श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी ने रुक्मणी विवाह तथा भगवान कृष्ण की अन्य कथाओं का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें रुक्मणी काजल कुशवाहा बनी एवं कृष्ण पूजा कुशवाहा बनी। इस दौरान भगवान की लीलाओं को देखकर पंडाल में उपस्थित भक्तगण भाव विभोर हो गए। श्रोताओं ने देवी रुक्मणी एवं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का खूब आनंद उठाया। भगवान स्वरूप बच्चों ने भक्तों को अपने साथ खूब झुमाया। कथा में देवी रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह का पूरा दृश्य बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया। कथा के आयोजक एवं परीक्षित सुरेश चंद्र पत्नी लक्ष्मी कोष्टा एवं दया शंकर पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा ने भागवत पूजन एवं आरती संपन्न कराई एवं कार्यक्रम का संचालन यश स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर लालू कोष्टा ने किया। श्री शिवम पंडित जी ने विधि विधान से पूजन अर्चना संपन्न कराई। इस मौके पर रामलाल कुशवाहा, रामगोपाल कुशवाहा, माधव सिंह, विनोद कुशवाहा, देवेंद्र सिंह, अनिल कुशवाहा, राममोहन गुप्ता, उमा शंकर कुशवाहा, राहुल कोष्टा, श्यामावती कुशवाहा, श्यामा कुशवाहा, पूजा कुशवाहा, हिमांशी कुशवाहा, मधु कुशवाहा, भागीरथ कुशवाहा उपस्थित रहे। अंत में सभी भक्तों का आभार दयाशंकर कुशवाहा ने किया। दयाशंकर कुशवाहा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।